नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त यूपी में सीएम योगी की भी है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से यूपी में भाजपा की स्थिति खराब हुई, उसके बाद सीएम योगी उपचुनाव को भी काफी रिस्क भरे मूड में लेने के मूड में नहीं है। जीत के लिए उन्होंने जाल बिछा दिया है। इस बार वो छाछ यानी कि सियासी छाछ को भी फूक फूक कर पीने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी बदली हुई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। ये सब कुछ कैसे होगा, चलिए आपको बता देते हैं। आपको एक बात तो याद होगी, हाल में ही सीएम योगी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। अब वो इसी रणनीति को चुनाव में भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पार्टी की ओर से मतदाताओं को एकजुट करने के लिए इसी मंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां, समाजवादी पार्टी के पीडीएफ पॉलिटिक्स की काट में सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के मंत्र को चुनावी मैदान की रणनीति को साधने में इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी प्रभावी भी रहा था, इसीलिए अब इसे यूपी में भी इस्तेमाल किया जाएगा। उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है। प्रचार मैदान में भी वो पार्टी का प्रमुख चेहरा बनने वाले हैं। उनकी ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम है। सीएम योगी सभी 9 विधानसभा सीटों में 18 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इसका मतलब साफ हुआ कि सीएम योगी हर सीट पर 2 जनसभाएं करेंगे। सभी 9 सीटों पर उनके स्तर पर माहौल बनाया जाएगा। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी चुनावी सभाओं के जरिए वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते दिखेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। भूपेंद्र चौधरी की जनसभाओं की तैयारी है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से संगठनात्मक बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए वो माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वॉर रूम बनाए जाने की तैयारी की गई है। वॉर रूम की कमान संगठन महामंत्री धर्मपाल के पास रहेगी। वॉर रूम के जरिए संगठन महामंत्री सभी 9 विधानसभा सीटों पर चल रहे चुनाव अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। कमियों को देखते हुए दुरुस्त करने की टिप्स भी दी जाएगी। इस काम में मदद करेंगे प्रदेश महामंत्री संजय राय, प्रदेश महामंत्री राम प्रताप, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल और प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम योगी ने यूपी उपचुनाव को लेकर अपना ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र अखिलेश यादव या उनकी पार्टी पर किस तरीके से काम करता है और सीएम योगी को उपचुनाव में यानी कि भाजपा को उपचुनाव में कैसे जीत मिलती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।